सनातन धर्म में मुख्यतः देवी शक्ति को रचनात्मक ऊर्जा से जोड़ करके देखा जाता है और इस प्रकार से मान्यता है कि माता यानी कि स्त्री शक्ति ब्रह्मांड का निर्माण और विनाश भी एक क्षण में कर सकती हैं। माता को अक्सर एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है जो अपने भक्तों की रक्षा और बचाव के लिए हथियार का भी उपयोग करती हैं। वह जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रों से मुक्ति दिलाती हैं। मान्यता है कि ये देवियाँ अपने असंख्य रूपों के द्वारा भांति भांति की लीला प्रस्तुत करती हैं और सर्वदा शिव की अर्धांगिनी बनी रहती हैं। शिव की शक्ति विभिन्न रूपों के द्वारा जानी जाती है जिसमें सर्वप्रथम माता दुर्गा का नव रूप शामिल है। जब ये शक्तियाँ नव दुर्गा होती हैं तो इनके ये नाम हैं शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंद माता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी और सिद्धिदात्री। पुनः माता अपने आप को 10 महाशक्ति में प्रस्तुत करती हैं जो कि स्वतंत्र परिचय प्रदान करती हैं और यही माता 10 महाविद्या कहलाती हैं। इन 10 महाविद्या में सर्वप्रथम है काली, दूसरी है तारा, तीसरी खोडसी या त्रिपुर सुंदरी है, चौथी भुवनेश्वरी या राजराजेश्वरी ललिता है, पांचवी छिन्नमस्ता या छिन्नमस्तका छिन्ना है, छठी माता भैरवी त्रिपुर भैरवी है और सातवीं माता धूमावती अलक्ष्मी है, वहीं आठवीं माता बंगलामुखी और नवमी मातंगी और दसवीं महाविद्या कमला है। और वहीं जब संपूर्ण देवताओं की शक्ति बनकर ये शक्ति अवतरित होती है तथा जिसने अपने कारण अपने आप से ही इस चराचर जगत में व्याप्त कर रखा है, ये आदि शक्ति 3 महाशक्तियों के रूप में पूजी जाती हैं। प्रथम महाकाली, द्वितीय महासरस्वती और तृतीय महालक्ष्मी। इन महाशक्तियों को वैष्णो देवी में भी पूजा जाता है।